हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने गांव की देसी मिठाई बनाने वाले हैं। आप इसे रक्षाबंधन में एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, शायद ही आपने इसको कभी खाया होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें, इसमें मैंने सारी ट्रिक्स बताई है। इसको हमारे गाँव में दुधबड़े या खड़बड़े के नाम से जानते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो इसको बनाकर उनका मुँह मीठा कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बने रहें। इसको हम दो तरीके से बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको जिस भी कढ़ाई में इसको मिक्स करना है उसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। और हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जो जिससे हम रोटी अक्सर बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। इसको हम नॉर्मल पानी से मिक्स करेंगे, तो इसमें इतना पानी मिलाएंगे ताकि ये रोटी के लिए जो हम आटा गूंथते हैं उससे गीला हो। और नॉर्मल पकौड़ा जो बनाते हैं, भजिया के लिए बेसन घोलते हैं, उससे हमारा ये गाढ़ा होना चाहिए दोनों के बीच में। पकौड़े बनाने वाले बैटर से गाढ़ा और रोटी के लिए अक्सर हम आटा गूंथते हैं उससे ढीला होना चाहिए, गीला होगा तभी हमारा अच्छा बनेगा। और इसको हमको भूनना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसमें जब हम भूनते हैं तो ये चिपकता है कढ़ाई में। तो यदि आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो वो ले सकते हैं। इसको हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि आटा गीला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको भूनना ज़रूरी है। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसको भूनेंगे। ये देखिए, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में हमारा चिपक रहा था, तो हमने एक लोहे की कढ़ाई ले लिया, इसको भी हमने ग्रीस कर लिया ताकि इसमें चिपके ना ये बैटर। तो हमको जब तक भूनना है ताकि ये गीला ना रहे, इस तरीके से भूनना है कि ये गीला ना रहे। इसका डो इस तरीके का बनना चाहिए जैसे पूड़ी के लिए हम आटा गूंथते हैं, उस तरीके का ये हो जाना चाहिए। तो इस डिश को बनाने के लिए हमको आटा भूनने में विशेष ध्यान देना है, ये जलना नहीं चाहिए आटा। इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर भूनें, और इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे, शुद्ध देसी घी। और इसको हमको इतना भूनना है ताकि इसका डो जैसे हम नॉर्मल पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं कड़ा, वैसा हो जाना चाहिए। धीरे धीरे देखेंगे इसका पूरा जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और हाथ में भी नहीं चिपकेगा। इसकी मेन ट्रिक है, ये गीला होगा तो आपके ये बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी आप ट्रिक को ध्यान रखें। और ये इसको गर्म गर्म में भी हमको मिक्स करना है। हमने जैसे कि बड़ी थाली में इसको निकाल लिया आटे को, तो हमको इसको गर्म गर्म में ही मिक्स करना है, इसका डो बनाना है। आप ये इंतज़ार ना करें कि ये ठंडा हो जाए। और हमने कढ़ाई में शुद्ध देसी घी डाल दिया है, ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है ये आटा। और इसमें हमने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे, ये 4 चिरौंजी, इसको चिरौंजी दाना के नाम से जानते हैं, तो वो कुछ हम ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़े से हमने काजू को भी छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है, और ये नारियल है, सूखा नारियल को भी बारीक बारीक कट कर लिया है। चाहे तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं, पतला पतला घिसनी से ग्रेट कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। तो आके वीडियो में बने रहे। मैंने ज़्यादा वीडियो इसमें कट इसलिए नहीं किया है ताकि इसमें आपको पूरी ट्रिक अच्छे से समझ में आए। तो हमने इसके मोटे मोटे ऐसे लोई बना ली है, बड़ी बड़ी, इतना होना चाहिए मोटा, रोटी वगैरह बनाने से उससे मोटा होना चाहिए। और इसको हम पतला पतला इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं बेलना, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं रोटी पूड़ी वैसे ही बेलना है। तो इसको हम थोड़ा पतला बेलेंगे, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से। आप जब बेलें इसको तो आप इसको घी से ग्रीस कर लें बेलन को, ताकि ये बेलन में ना चिपके। ये खाने में सच में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है डिश फ्रेंड्स। तो हमने गिलास को भी घी से ग्रीस कर लिया है ताकि अब इसको हम गोल गोल कट करेंगे गिलास के शेप में, सर्किल शेप में इसको हम कट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फटाफट से हमने सारे को सर्किल शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। हमारा घी भी गर्म हो चुका है, और ये बचा हुआ पोर्शन को निकाल लेंगे ताकि इससे हम फिर से ये अपने बड़े बना सकें। बच्चे तो नॉर्मली इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं, तो वैसे ही बच्चे सूखे खा लेते हैं, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि ये आटा ऑलरेडी हमारा भुन गया है, आटा अच्छे से वैसे भी पक गया है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों को खाने में। तो हम इसको फटाफट से डीप फ्राई कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, आपको ये सच में रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, आप इसे रक्षाबंधन में ज़रूर इंजॉय करें। इसका टेस्ट पूरा जैसे नॉर्मल हम गुलाब जामुन बनाते हैं उसी के जैसे लगता है। तो हमने इनको डीप फ्राई कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको डीप फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होते तक। यदि आटा आपका टाइट रहेगा, आटे को अच्छे से टाइट भूनेंगे तभी आपके अच्छे बनेंगे, ऐसे नहीं तो डीप फ्राई करेंगे तो आपके ये फट जाते हैं। तो इसका आटा भूनने का मेन ट्रिक है। हमने देखिए आधा लीटर दूध को हमने गर्म होने रख दिया है। आपका यदि फुल क्रीम दूध है तो वो ले लें, नहीं तो आप गाय के दूध को थोड़ा ज़्यादा उबाल लेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो दूध को हमने गर्म होने रख दिया और एक साइड हम इस बड़े को बनाते हैं। तो वही ट्रिक, आप इसको पतला पतला बेल लें और सर्किल शेप में, गिलास के शेप में इसको कट कर लें। तो इसको हमको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा रखेंगे ताकि ये फूल पाए। तो इसको हम सारे बैच को हम डीप फ्राई कर लेते हैं। और ये हमारा दूध उबल रहा था तो इसमें हमने चीनी डाल दी है आधा कटोरी। तो चीनी इसमें हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इस बड़े को थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है ये बड़ा खाने में। तो चीनी की क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। ये दूध भी हमारा अच्छा उबल गया है और इसमें हम कुछ मावा डालेंगे, जैसे कि इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें। और ये हमने कद्दूकस कर लिया है नारियल और चार चिरौंजी दाना, उसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छे से उबलने देते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, इस दूध को आप अच्छे से उबलने दें तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा ये दूध को मीठा रखें तो आपका परफेक्ट बनेगा। दूध को हम नॉर्मल उबालते हैं, उससे ज़्यादा उबालना है। तो ये हमारा अच्छा उबल गया है दूध, दूध हमारा गर्म है और ये बड़े हमारे ठंडे हो गए हैं तभी हमको डालना है। तो इसमें से कोई एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए और एक चीज़ को गर्म रखें तभी आपके ये सही बनेंगे। यदि दोनों आपके गर्म होंगे तो ये जो बड़े हैं पूरे घुल जाएंगे जल्दी से। और जैसे कि नॉर्मल आप गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं तो चाशनी बनाने के लिए आप 2 कटोरी चीनी ले लें और 1 कटोरी पानी, तो वैसे ही हमने ये चाशनी बना ली है। यहाँ पे चाशनी की ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। तो चाशनी हमारी जैसे कि ठंडी थी तो हमने ये गरम गरम बड़े डाल दिया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कोई एक चीज़ इसमें से गर्म होनी चाहिए और एक चीज़ ठंडी, तो आपके ये बड़े इसमें टूटेंगे नहीं। यदि आपके बड़े ठंडे हैं तो दूध या चाशनी गर्म हो, या नहीं तो बड़े गर्म हैं तो दूध या चाशनी ठंडी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ये रियली आपको बहुत ही पसंद आएगी, ये मुझे तो बहुत ही पसंद आती है। ये मेरी मम्मी की बताई हुई ट्रिक है, मेरी माँ बहुत ही अच्छा बनाती हैं तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। हमारे यहाँ गाँव में इसको दुधबरे कहते हैं, दूध में जो बड़े डाल देते हैं तो उसको दुधबरे, और चाशनी में डालने वाले को खड़बड़े कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं भूल सकते और एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जल्द मिलते हैं।